यार मतलब कि किसी ने सही कहा है कि अगर क्या कहते हैं टीचर एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते तो फिर बच्चों से क्यों उम्मीद रखते हैं कि इतने ज्यादा सब्जेक्ट क्या कहते पढ़ाए। और सोचो अगर एक टीचर 10 क्या कहते हैं यूनिट दे दे क्या कहते हैं हमें पढ़ाने के हमें याद करने के लिए, तो क्या कहते हैं हम कैसे वो क्या कहते हैं, और हर एक एक टीचर हमें 10 10 चैप्टर दे दे याद करने के लिए, तो हम कैसे वो याद करें इतना ज्यादा। खुद नहीं एक चैप्टर पढ़ा सकती, उस वक्त इनका बीपी हाई हो जाता है और हमसे उम्मीद रखती है कि हम 10 10 चैप्टर अगले रोज पढ़ के आए, वो भी ग्रैंड टेस्ट के लिए। मैं तो नहीं दूंगी फिजिक्स की टीचर को, जो उखाड़ना है ना मेरा उखाड़ ले, मैं तो नहीं टेस्ट देने वाली। वो कल आई थी, कल आई तुमने याद भी किया है, मैंने ना पार्क स्टडी का याद किया, ना इस्लामियात का याद किया है, और ना ही क्या कहते हैं सूरह याद किया है। मैम इतने आराम से देख के कहती हो, हो इतनी लंबी सूरह ये तो हो जाएगी, इतनी छोटी सी सूरह यासीन से बस 14 गुना ज्यादा लंबी है, और क्या है बस पूरे क्या कहते हैं हफ्ते में कवर हो जाएगी। मतलब कि मैम आपको अंदाज़ा भी है, आपको नहीं पढ़ क्या कहते आप 14 क्या कहते हैं दिनों में इसका एक रुकू नहीं क्या कहते हैं कवर कर सकते, और हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम 14 दिनों में ये पूरे क्या कहते हैं आयत याद करके रखें। मतलब कि आपका दिमाग ख़राब है, मुझे पता है कि आप बूढ़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप अपने बुढ़ापे का इतना फ़ायदा उठाएं। हाँ, जो भी इसके इनके दिल में आता है ये वही करना शुरू हो जाती है। उस दिन जो क्या कहते हैं आयन पढ़ा रही थी, मुझे कख नहीं आया, मैंने ना पार्क स्टडी का पढ़ा है, ना बायो का, ना केमिस्ट्री का, मैंने कुछ किस का भी नहीं हाल लगाया, मैंने बस क्या कहते फिजिक्स का क्या कहते याद की, वो भी चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 मैंने आधा याद किया। नहीं याद करूँगी क्या कर लेंगी मेरा, ये कुछ नहीं कर सकती, ये बस धमकियाँ ही दे सकती है। बोर्ड में तो नहीं होगी ना, बोर्ड वाले हम पे रैम खाते हैं, उनको बच्चों का दुख पता होता है। यहाँ तो क्या कहते हैं टीचर अपनी पढ़ी होती है, उन लोगों को अपनी क्या कहते हैं पढ़ी होती है, वो क्या हमसे करेंगी देंगी, और इतने टेस्ट लेती है, इतने टेस्ट मिलकर बाद में ना ये लोग टेस्ट को फाड़ के ना रद्दी वाले को देते हैं, बल्कि हमारे कैंटीन में क्या कहते हैं उसके ऊपर समोसे रख के देते, तो हमारी इतनी ज़्यादा मेहनत का क्या फ़ायदा अगर क्या कहते हैं हमारी मेहनत सारी क्या कहते हैं समोसों के ऊपर जाए। तो इससे बेहतर नहीं हम ना ही टेस्ट दें, मैं मैम को सीधा जाके कहूंगी मैम मुझे टेस्ट नहीं देना, आपको जो खाना है उखाड़ ले, मुझे बेशक उनसे मार खानी है, लेकिन मैं टेस्ट नहीं दूंगी। और हमारी टीचर को देखो ना इतना फ्री हो गई है, लगता है मुझे अब समझ ही नहीं आती। मतलब कि यार खुद ही सोचो आप जो मंडे को आएंगे ट्यूसडे को आएंगे मैं आपसे टेस्ट लूंगी, मतलब इतने टेस्ट लेके क्या करेंगे, हमने बायो पढ़नी है सिर्फ क्या कहते हैं टॉप नहीं करना, ना ही क्या कहते हैं हमने उसके क्या कहते हैं कुछ उसके साथ कोई जंग करनी है। इतना ज़्यादा पढ़ा रही है ना एक दिन में पूरा कवर करके आने, और जो शॉर्ट क्वेश्चन 40 40 लिखवाए, हमें विंटर वेकेशन हुई है, क्या कहते हैं पूरी साल की वेकेशन नहीं हुई है ना, ये लॉकडाउन हुआ है जो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं इन लोगों ने हमें पेपर दे दिए हैं ने कसम अल्लाह नहीं मामा मैम ऊपर तो सने जो बड़े बच्चे नहीं है ना नीता तो सब ना दुख ना समझो। और जैसे कहते हैं तुम टीचर के सामने जाके बोल कि मैम मुझे टेस्ट नहीं लेना, आप जो खाने खा लो, और टीचर आगे से क्या कहते हैं तुम्हें क्या कहते हैं प्यार से बोलूंगी ठीक है मेरा बच्चा, अगर तुम्हें टेस्ट नहीं लेना ना दो तुम बेशक पूरे साल ना पढ़ो, मुझे कोई हार्ड नहीं है क्या कहते हैं, और मैं माजरत चाहती हूँ कि आपको इतना तंग किया है मैंने, आप लोगों से टेस्ट ले लेके आपके हाथ दुखा दिए, और ऊपर से आपको डंडे भी मारे हैं टेस्ट देने पर, मुझे माफ़ करना माजरत कर देना। और क्या कहते हैं ना तुम खुद मार सकती हो ना टीचर को मार सकती हो।
ਤੀਜਰਾ ਤਾਂ ਮੁਨੀ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਗਈਆਂ ਉਹ ਆਲਫਾ ਸਰ ਡੈਡ ਐਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਂਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਣੀਆਂ ਮੁਦੀ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਕਾ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਆਪ ਉਸ ਪੇ ਉਸ ਪੇ ਆਪ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਨਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੇ ਅਬ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸੋ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਵੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ ਟੈਸਟ ਆਪ ਕਿਉਂ ਉਨਕੋ ਇਤਨਾ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਕਹਿ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਟੈਸਟ ਪੀਛੇ ਐਸੇ ਪੜ ਜਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਪੀਸ਼ੀ ਹੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕਾਲਤਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਚਲੇ